नमस्कार मु लक्ष्मी नारायण। देशरे कोरोना मामला बढ़ुची एभली परिस्थिति रे मास्क सबुठ बड़ अस्त्र। आम आपको बारंबार अनुरोध करुछु जे मास्क पिंधंतु। न्यूज 18 आरंभ करिछे एक नुआ अभियान मास्क पहनो इंडिया। आपण शपथ करंतु जे पर्यंत महामारी अछि मुहरु मास्क काढ़े ना। आसंतु खबर अभियान को आगू बढ़ेबा। प्रथम देखिबा भारत बंद संपर्कित खबर। दस घंटिया भारत बंद विवादय कृषि आईन प्रत्याहार दावी से संयुक्त किसान मोर्चा पक्ष बंद डाकरा दि जाए। सकाल 6 अपराह 4 पर्यंत बंद पालन कर। संयुक्त किसान मोर्चार बंद डाकरा को कांग्रेस और वामदल समर्थन करते। आप आरजेडी बीएसपी भली 7 राजनीतिक दल समर्थन करते। आंदोलनकारी विभिन्न स्थान में विक्षोभ प्रदर्शन करते। बंद पालन अत्यावश्यक सेवा को बाद दि जाए। आंदोलनकारी रास्तारोक करने सहित बस ट्रेन अटो चलाचल बंद कर। व्यावसायिक प्रतिष्ठान शिक्षानुष्ठान सबकि बंद रही। भारत बंद को दृष्टि रखे ओएसआरटीसी बस चलाचल बंद रही। आज अपराह 3 पर्यंत चलिए सरकारी बस। देखिपी भुवनेश्वर कटक बालेश्वर एवं पुरी में बंद रित्र समस्त सबुठी बंद पालन कर। राजधानी भुवनेश्वर कथा कहतु, पुरी कथा कहतु, कटक कथा कहतु, बालेश्वर कथा कहतु, सबुठ विक्षोभकारी प्लाकार्ड धरी विक्षोभ प्रदर्शन करुँचे बंद पालन करुँ। संयुक्त किसान मोर्चा डाकरा जो बंद डाकरा दि जाए भारत बंद डाकरा समस्ते नाराबाजी कर। बरमुंडा बस स्टाण में भारत बंद प्रभाव। बस चलाचल बंद थी यात्री ना असुविधार सम्मुखीन होते। बहु यात्री बस को अपेक्षा कर ना असुविधार सम्मुखीन होते। एकाधिक राजनैतिक दलर बंद डाकरा सहित चाषी मान उद्देश्य आज सारा भारत बंद रही। यार प्रभाव मध्य भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टाण में देखा मिली। कारण यात्री नहांती बस छिड़ाई एवं जो यात्री माने दूर दूरांत को जीवा पई चाहुचंती से माने मध्य असुविधा भोगिचंती। कौन असुविधा भोगुचंती बस कर्मचारी माने कौन कहउचंती आसन जानिबा। आपण कौ बस रे काम करचंती? अच्छा आज भारत बंद जो आपण मानकर कौन असुविधा हो? निनी बस रे काम करे आज्ञा। मो ना होचु प्रवीर कुमार पात्र। तो आमर जीवा कथा सकाळ 8 रे गाड़ी गुड़ा सब बंद अछि बोली स्ट्राइक करचंती कृषक श्रमिक माने। तो तेणुक आम बंद रखीचु लोक रास्ता घाट बंद करदे तो तेणु जापारू। आईटा एक्चुअली बंद करवा कथा नुहे। सरकार जो बड़े चाषी मानी सब सुविधा दौरान भी मैंने बंद करु। गत 2 वर्ष है बस कर्मचारी मैंने बस चलाचल बंद थी। कर्मचारी मैंने जहाँ असुविधार सम्मुखीन सरकार कि बुझी ना कि चाषी मान बुझला बंद बंद कर। कर्मचारी हिसाब से असुविधा भोग खास कर बंद डाकरा दी जाए? आम तो असुविधा पड़चु कि जो बाहर जी लोक आती असुविधा पड़ुं मैंने खायापी असुविधा पुणी जे दूर दूरा आए पेसेंट नहीं बस बहुत आम देखु जापार ना सी असुविधा पुणी आम गोटे दिन आसलु पुणी रिटर्न करार आम रही गलु ये आमको पुणी खाया पीया असुविधा सब असुविधा कि जो स्ट्राइक डाक बंद करवा कि जस्टिफाई ना ये उचित ना बंद करवा चाषीपाई बंद अच्छी सब जमी चल सेमक ए लकडाउन तो चलू था बहुत दिन है बस बंद था तो बहुत हईरा होती कौन कह क्या कौन असुविधा मुझे बारिपदा जीवार विशाखापाटनार कल गोटे बेले आस बारिपदा जीवार आउ बस बंद मुझे बहुत असुविधा देखते ये जन असुविधा नुह बस निर्भर करते जात्री बेहाल हो जाते आज जो भारत बंद डाकरा दी जाए। कर्मचारी मैंने खुशी नुहति बस मालिक मैंने एक प्रकार विकल अवस्था अच्छा तेणु मोटामोटी भाव में कहीपर बस बंद प्रभाव पड़ी। कारण एथेर इन्सुरांस कवरेज हुए नहीं जो बहुत बस मालिक मैंने रास्ता को गाड़ी काढ़ती तेणु बस बंद डाकरा जेको भारत बंद डाकरा पूर्व अंत लोकंकर स्वार्थ को देखा उचित बोली अनेक मत रखिंट। भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टाण्रु मनोज जेना न्यूज 18 ओडिया।
ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜୋରଦାର ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋର୍ଡରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦ ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଫସି ରହିଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା ଜାମ୍ ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ ରେଳରୋକ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ମୋଟରକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶଟି କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଛି ରାଜ୍ୟର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବନ୍ଦ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଛାତ୍ର, ଯୁବ, ମହିଳା ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୋମାର କହିଛନ୍ତି। किसान नेता राकेश टिके तुम्हारे साथ हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक महापंचायत में 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था। कहां कहां पर भारत बंद रखा गया है और कितने तहसील जिले पर? पूरे देश भर में रिपोर्ट आ जाएगी। राकेश जी, समय क्या निर्धारित किया गया है, क्योंकि ड्यूटी वाले बहुत लोग हैं, सोमवार का दिन है आज, ऐसे में परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। आज छुट्टी काटो, आज किसान यूनियन की तरफ से सबको छुट्टी है आज एक दिन की। अच्छा, यूपी में जो गन्ने का मूल्य बढ़ा है 25 रुपए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एक गन्ने का रेट 350 हो गया। अरे 350 हो गया, उन्होंने लिखत पढ़ा तो मैं क्या दिया था, घोषणा पत्र में 375 दिया, बोलने में 450 दिया। क्या जब वे विपक्ष में रहते हैं तो गन्ना मीठा ज्यादा हो जाता है और अब वे सत्ता में है तो गन्ना का मिठास कम हो गया? ये बात समझ में नहीं। पंजाब में भी उतना ही रेट है, कुछ 10 रुपए महंगा, 360 है। इन्होंने घोषणा करी थी ना, पंजाब का भी कम है। विपक्षी पार्टी भी आज आपको समर्थन दे रही है भारत बंद का, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी, आप भी काफी रैलियां कर रहे हैं उत्तराखंड में जा रहे हैं और दिल्ली में भी आज भारत बंद रहेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस भी कह रही है हम पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर आज। आने ठीक है, आने दो सबको, आने दो विपक्ष। राकेश जी, लास्ट सवाल, आखिरी रणनीति क्या रहेगी अब आगे की, आज के भारत बंद पे कितना असर जाने वाला है? और आगे का क्या बतावे हम, क्या को ज्योतिषी वो है क्या, हम आगे की हम बात बतावे। अंतिम सवाल, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि फिर से एक बार बातचीत, संशोधन के लिए नहीं, जैसा आपने कहा संशोधन के लिए बातचीत करिए, तो कब बात शुरू कर लेंगे? बातचीत कर लेंगे, अगर उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी हो तो बातचीत कर लेंगे। तो किसान नेता राकेश टिके तुम्हारे साथ थे और आज 27 सितंबर को भारत बंद रखा गया है और साथ ही साथ वे कह रहे हैं कि कृषि मंत्री इस बात को दोहराते हैं, वे स्वयं बातचीत के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं भेजते। रोहित सिंह, News 18, गाजीपुर बॉर्डर। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। ये हमारा किसी को तंग करने का संदेश नहीं था, हम ये हमारा संदेश था कि सोती हुई सरकार को जगाने के लिए था। सरकारें सो रही है, 10 महीने से किसान बैठा हुआ है और कोई बातचीत नहीं कर रही है। ये आज का हमारा संदेश था कि भी गूंगी बैरी और सोती हुई सरकार के कानों में आवाज चले जाए, आज का हमारा मकसद ये था। और इतने थोड़ी ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तो घर वापस नहीं होंगे हम किसान बिल्कुल भी। संदेश है तो हमारा, किसी को देखो भारत बंद किया है, हमारा ये मतलब नहीं भी किसी पब्लिक को परेशान करना है, किसी को तंग करना, नहीं नहीं, हमारा मकसद है हमारे प्रोग्राम का, संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम का ये भी एक हिस्सा है। केंद्र सरकार जैसे तानाशाही रवैया जो किसानों और मजदूरों पे कर रही है, इसके विरोध में लगातार जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की ओर से जो संघर्ष दिल्ली में चल रहा है, जो एक साल के करीब जो आंदोलन पहुंच चुका है, उस आंदोलन का ये जो हिस्सा है
ये बना आज जो पंजाब बंद की जो भारत बंद की कॉल दी गई थी इसको समर्थन करते हुए पूरे भारत में सभी कारोबार जो है बंद किए गए हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो हैं उनको सुविधा दी गई है कि वो कहीं भी एम्बुलेंस या कोई और जा सके। पहली मांग तो हमारी खेती कानूनों को रद्द करवाने के लिए है और बाकी जो भी सब लागू किया है केंद्र सरकार ने वो सब खत्म करने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे खत्म नहीं होती तब तक हमारा जो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। विवादित कृषि आईन को विरोध कर देशव्यापी चली आंदोलन वर्ष पूर्ति एने आज भारत बंद डाकरा दे संयुक्त किसान मोर्चा विभिन्न स्थान में चाषी मैंने आंदोलन में सामिल होती एपरिक रेल थाना में बस चाषी आंदोलन को समर्थन करुवा देखा मिली। हरियाणा कुरुक्षेत्र अंतर्गत शाहबाद में प्रतवादकारी कृषक मैंने दिल्ली अमृतसर जातीय राजपथ अवरोध कर कृषक मतवाद जो उत्तर प्रदेश दिल्ली गाजीपुर सीमांत को जानवाहन चलाचल बाधाप्राप्त हो आगो को आगे खबर देखा किंतु वर्तमान समय हो ब्रेक रहा। न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा सब रोग सफा न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा सब रोग सफा। माओ दमन नहीं केंद्र सरकार एक्शन प्लान 10 राज्यर मुख्यमंत्री को नहीं केंद्र सरकार बैठक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित अंचल किभली माओ दमन करा से नहीं 10 राज्यर मुख्यमंत्री सह आलोचना करछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। सेपटे माओप्रवण अंचल विकास उपरे फोकस देछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सेथिपाई केंद्र सरकार निकट रखिछंती 5 प्रस्ताव। दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे मोबाइल नेटवर्क स्थापन करने को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केंद्र सरकार को प्रस्ताव देछंती। सेपरी माओ प्रभावित जिले में बैंक शाखा खोलिबा को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रस्ताव देछंती। एथिपाई जमी और कोठा मागणारे राज्य सरकार जोगाइ देबे। न्यायपालिका रे 50% महिला संरक्षण जरूरी यहस देशर ल कॉलेज रे मध्य महिलांक पई संरक्षण व्यवस्था लागू हेबा दरकार। यह महिलांक अधिकार एवं सेमाने दाबी करबा पई संपूर्ण हकदार एभली कहिछंती प्रधान विचारपति जस्टिस एनवी रमन्ना। सुप्रीमकोर्टर 9 नुआ विचारपत्नी को नहीं आयोजित समारोह रे जस्टिस रमन्ना कहते जे तलकोर्ट्रे 30% मध्य कम महिला अच्छा से हाइकोर्ट्रे 11.5% और सुप्रीमकोर्ट्रे 11-12% महिला अच्छा। पंजाब सरकार कैबिनेट संप्रसारण मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नुआ कैबिनेट रे स्थान पाई 6 नुआ मंत्री सेमाने कैप्टेन अमरिंदर सिंह को कैबिनेट रे मंत्री नथिले। ब्रह्म मोहिंद्रा एवं मनप्रीत सिंह बादल को मंत्रिमंडल रे शामिल करा जायछे। यहस तृप्त राजेंद्र बाजवा अरुणा चौधरी सुखविंदर सिंह साकरिया एवं राणा गुरजीत सिंह मध्य नूतन कैबिनेट रे स्थान पाई। चरणजीत सिंह चन्नी नुआ कैबिनेट रे रजिया सुल्ताना विजय इंदर सिंगला भारतभूषण आशु रणदीप सिंह नाभा को मध्य सुजोग मिली। यहपर राजकुमार बेरका संगत गिलजियान एवं परगट सिंह मध्य मंत्री भाव में शपथ ग्रहण कर 2022 निर्वाचन पर उत्तर प्रदेश में बड़ परिवर्तन योगी कैबिनेट संप्रसारण में सामिल। बात्या परे कोरापुट जिलार विभिन्न स्थान में होइछि भूस्खलन। बात्या प्रभाव में गत रात्रि वर्षा लागि रहिथिबारो कुंदुली पटांगी रास्त बहु गच्छ भांगी पड़ी
ସେହିଭଳି ରେଲାଗୁଡ଼ାରୁ ସୁଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଭୂସ୍ଖଳନ। କିଛି ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଅତଡ଼ା ଖସି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା ସଫା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇନଥିବା ପଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆକୁ ପଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଯିବ। ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପିତଗୁଡ଼ା ଓ ଦୁଧାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଛପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବୈପାରୀ ଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଗଛପଡ଼ି ମାଲକାନଗିରିକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ସଫାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ସୁଙ୍କି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଘରର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ଲ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ରାତି 4ଟାରୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲୁ ଆଉ କୁନ୍ଦୁଲିଠୁ ପଟାଙ୍ଗୀ ଯାଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ରାତି 5ଟା ଭିତରେ 6ଟା ଭିତରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛୁ। ଏବଂ ରାଲେଗୁଡ଼ାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଙ୍କି ଯାଏ କ୍ଲିୟର ଚାଲିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ବହୁତ ହେଇଛି, ଏତେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ପଥର ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳକୁ ଆମ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ରହିଯାଇଛି। ଅନ୍ତରେ ଏପଟେ 100 ସେପଟେ 100 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେଇ ସ୍ପଟରେ ବହୁତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଆସ୍ପତ୍ରରେ ସବୁଯାକ ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିପି ଲେଭେଲ୍ରେ ଜିପି ବିଲ୍ଡିଂରେ ବା ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଙ୍କି ସାଇଡ୍ର ଆଉ ଜାମ୍ପାବଲି ସାଇଡ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିପି ବିଲ୍ଡିଂ ବା ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣିକି ଆମେ ରଖିଯାଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲି ରାତିଠୁ। ଆଉ ସେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କିଛି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର୍ କଲେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ବାତ୍ୟା ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଭୂସ୍ଖଳନ। ସୁଙ୍କି ଘାଟିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଜାଣିବାକୁ ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସୁଙ୍କି ଘାଟିରେ ବନ୍ୟାର ଚିତ୍ର ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ପାଣି ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ରହିଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହ ରହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରୁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଅପଡେଟ୍ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ କଥା କହିବା ତ ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କେବଳ ପଟାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସେମିଳୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଅଧିକା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରହିଥିବାର ନଜରକୁ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଏବଂ ସେମିଳୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦେଇ ବାତ୍ୟା ଗତି କରିବ, ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସୁଙ୍କି ଘାଟି ରହିଥିଲା, ସୁଙ୍କି ଘାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରୁ ପଥର ଖସି ଘାଟି ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଘାଟିରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଜଳ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ସାହି ଯୋଉ ସବୁ ସାହି ବସି ସବୁ ରହିଥିଲା, ଯୋଉଠାରେ କି ଡ୍ରେନେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ନାଳ ସବୁ ରହିଥିଲା, ସେ ନାଳରେ ଯୋଉଠିକି ଲୋକଙ୍କର ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଷଳଧାରାରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ତ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ସେମିଳୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ପଡ଼ ରହିଥିଲା, ସେ ସବୁ ଗଛକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଯାହା ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁଙ୍କି ଘାଟର ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି, ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଆଜିଠୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସିଧାସଳଖ ନେଇଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏକ ନୟ ଚରଣ ମେ ପ୍ରବେଶ କର ରହା ହେ ଔର ୟେ
सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। साथियों, आज भारत में जिस तरह टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस सुधारने का एक आधार बनाया जा रहा है, वो अपने आप में जन सामान्य को एम्पावर कर रहा है। यह अभूतपूर्व है। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है। अब हम भलीभांति जानते हैं, हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है, 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हर एक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। यूपीआई के माध्यम से कभी भी कहीं भी डिजिटल लेनदेन में आज भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। अभी देश में जो ई रूपी वाउचर शुरू किया गया है वो भी एक शानदार पहल है। साथियों, भारत के डिजिटल समाधानों ने कोरोना से लड़ाई में भी हर भारतीय को बहुत मदद की है, एक नई ताकत दी है। अब जैसे आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण समस्त रही। बुलेटिन को एक रखुचो, नमस्कार।